कभी कभी लगता है कि क्या हम उस जमाने में वापस चले गए जब अंग्रेज यहाँ रूल करते थे और अपनी देश का या अपने देश का सुनते सोचते थे और हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचा जाता था। ये कभी कभी मन में बात आती है और ये बात न केवल अब आती है लेकिन वो ऐसा लगता है कि सत्य हो रहा है कि कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। ट्रेन्स के बारे में बात कर लो, एरोप्लेन्स के बारे में बात कर लो, खाने पीने के बारे में बात कर लो, शिक्षा के बारे में बात कर लो, किसी चीज़ में भी आप बात कर लीजिएगा। अब जो हालात वहाँ पर हुए हैं बम्बई में, कभी हमने ऐसे हालात सुने नहीं थे कि इस तरह की बारिश होगी और इस तरह के हालात होंगे। यही हालात तमिलनाडु में हो रहे हैं। ऐसे हमने जो नेचुरल कैलामिटीज़ हैं उनको भी नहीं संभाल पा रहे हैं। और ये हमें देखना पड़ेगा कि सरकारें जो चुनी जाती हैं देश को संभालने के लिए, संवार के लिए, उसके भविष्य को और सुखद बनाने के लिए और रोशनी बनाने के लिए और सुनहरा बनाने के लिए, क्या वो कार्य पूरा कर रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, या केवल बातें बातें कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है और उनका वोट लेने की कोशिश कर रही है। हम चाहते हैं कि हिमाचल के लोग जो समझदार हैं, जो जानते हैं, वो ज़रूर इन बातों में मत आएँ, इन बातों में न मत बहें और सच्चाई को देखते हुए हमारे जो वीरभद्र जी हैं उनको पुनः चुने, उनकी सरकार पुनः बनाए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हिमाचल प्रदेश जो आगे का स्टेट माना जाता है उनकी वजह है, उनका कारण है।